हम लोग काफ़ी देर से महिंद्रा XUV 300 का फेसलिफ्ट इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि उसका नाम अब XUV 300 नहीं यानी कि 300 नहीं, उसका नाम रखा गया है द महिंद्रा XUV 3XO। और ये ओ क्या कमाल की चीज़ है, इसका फर्स्ट टीजर ऑफिशियल टीजर आ गया, April 29th को गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, इसके प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हम आज की इस वीडियो में आपको इसके फर्स्ट टीजर को करेंगे डीकोड, अच्छे से करेंगे एक्सप्लेन, और उसके अलावा भी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है सब बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना अब आपका काम, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम ऋषभ और आज का हमारा टॉपिक है द महिंद्रा XUV 3XO। अब इस वीडियो में आपको बता दूं कि हम अभी फर्स्ट टीजर को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी इसके प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियोस, वेरिएंट्स और साथ साथ ड्राइव रिव्यू सब आ जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज 3XO होने वाली है कमाल की एक गाड़ी। अब 3XO में नया टीजर पहले देख लो, एंजॉय करो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करूंगा। Mahindra XUV 3XO. हमारा नया स्टूडियो कैसा लग रहा है वैसे कमेंट करके बताने। नया स्टूडियो नहीं है, हम लोग बैंकॉक में अभी, तो यहाँ पर एक्सपो है, तो उसकी हमने एक जगह चूज की और वीडियो बना रहे हैं। ओके, 3XO, पहले तो नाम सबसे बड़ा जो चेंज हो गया, 5 साल हो गए थे XUV 300 को आए, छोटी छोटी चीज़ें अपडेट होती जा रही थी लेकिन कभी भी मेजर चीज़ नहीं आई थी, बट ये अब इतना मेजर आ गया कि एक कम्प्लीटली न्यू गाड़ी ही इसको कंसिडर करना आप। एक तो आपको मिल जाते हैं नए लुक्स, ठीक है, शिकायतें आपकी पूरी खत्म हो जाएंगी, बिकॉज अभी बूट स्पेस को लेके बहुत बड़ी कंप्लेंट रहती है, तो कंपनी ने कहा हम बूट स्पेस को इंक्रीज़ करेंगे। लुक्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो ग्रिल कम्प्लीटली चेंज है, लोगो ऑब्वियसली नया वाला ही आएगा, LED DRLs का डिज़ाइन चेंज हो गया है, हेडलैम्प सेटअप भी कम्प्लीटली चेंज हो गया, LED आएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक लग रहा है। अच्छे से पता नहीं लग रहा है इस टीजर में फ्रंट LED हेडलैम्प्स का यूनिट, बट डेफिनेटली काफ़ी बदल दिया गया है। थोड़ी और फोटोज़ वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर जब अपलोड होंगी तब अपना ओपिनियन बताना मुझे कि आपको कैसा लगा इसका फ्रंट डिज़ाइन। रही बात इसके साइड पे, तो आपको ड्यूल लेयर्ड मिलेंगे इसमें अलॉय व्हील्स, सेगमेंट के पहली बार ऐसा होगा कि आपको इस तरीके के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे कंपनी की तरफ से। एंड साथ में आपको रियर डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया अब, क्योंकि 2023 और 24 है, सारी गाड़ियाँ कनेक्टेड टेल लैम्प्स के साथ आई हैं, तो महिंद्रा पीछे कैसे रहे, तो यहाँ पर भी आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स नज़र आएंगे। तो अब इससे आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि अरे भाई कोई माइनर फेसलिफ्ट नहीं है, मेजर अपडेट्स है, मेजर अपडेट्स। इनफैक्ट एक्सटीरियर के अलावा इंटीरियर में भी बहुत सारे चेंज होंगे, लेकिन अभी हम पहले इंजन और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इंजन वाइज ज़्यादा चेंज नहीं, 1.2 लीटर का आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलेगा, पहले वाला MPI, और दूसरा मिलेगा आपको 1.2 लीटर का टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन, जिसमें आपको 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जाएगा विद अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन तो है ही, उसके ऑटोमेटिक नहीं आएगा लेकिन मैनुअली रहेगा, बट ज़्यादातर लोग पेट्रोल की तरफ जाएंगे, और कमाल की टॉर्क और पावर मिल जाती है आपको पेट्रोल GDI इंजन में, बेस्ट इन सेगमेंट अनडाउटेडली। महिंद्रा ने ये चीज़ बहुत अच्छी की। महिंद्रा ने एक और आपको फर्स्ट इन सेगमेंट और बेस्ट इन सेगमेंट देंगे, वो होगी सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगी इस सेगमेंट में पहली बार महिंद्रा XUV 3XO में। अब 3XO में और क्या क्या नया होगा वो बताता हूँ। बड़ी 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ और महिंद्रा के कनेक्टेड फीचर्स, आपको साथ में अलेक्सा का सपोर्ट भी मिलने वाला है, डिजिटल क्लस्टर आपको कंप्लीट मिलेगा 10.25 इंचेस का, विद डिजिटल कॉकपिट, इनबिल्ट नेविगेशन, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। बड़े AC वेंट्स आपको डिज़ाइन चेंज कर देगा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स इस टीज़र में जो है उन्होंने कंपनी ने टीज़ किए हैं, जो सीट्स पे पोर्स देख रहे हो ना उसी चीज़ के हैं, तो वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। फीचर्स में ADAS फीचर्स, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी पूरी हैं कि ADAS के एटलीस्ट Level 1 के फीचर्स तो होंगे ही होंगे, जैसे कि आपको किया सोनेट में देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कैमरा बेस्ड होंगे, रेडार नहीं होगा जितना हमें पता, बिकॉज अगेन रेडार भी हो, पैनोरामिक सनरूफ भी, ADAS भी हो, 360 डिग्री कैमरा भी मिलेंगे, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 360 डिग्री कैमरा की एक्सपेक्टेशन है, फाइनल नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस है कि मिलेंगे, नहीं होंगे तो तब भी चल जाएगा, बट हाँ पैनोरामिक सनरूफ आपको और ADAS के कुछ फीचर्स तो मिलने ही वाले हैं, विद 10.25 इंचेस की दो दो स्क्रीन्स जो मिलेंगी। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, क्रूज कंट्रोल स्टैंडर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स भी हो सकती हैं, कन्फर्म नहीं है, हो सकती हैं। जो चीज़ें कन्फर्म है वो आपको मैंने दिखा भी दी और बता भी दी। XUV 3XO April 29th को आ जाएगी, डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अब ये चीज़ है कि बूट स्पेस अगर बढ़ेगी तो हो सकता है रियर की स्पेस थोड़ी सी कम हो जाए, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें।
अभी बूट स्पेस कम इसलिए थी क्योंकि व्हील बेस इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा था और रियर में स्पेस सबसे ज़्यादा थी। इस सेगमेंट में इतनी स्पेस किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती। XUV 300 में अब स्पेस अंदर थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन बूट स्पेस बढ़ जाएगी, तो लोगों के लिए प्रैक्टिकलिटी एक सीरियस पॉइंट था तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फीचर्स में और अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, मैक्स कूल एसी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको मिलेंगे आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एक्सपेक्ट मत करो, वो मेरे ख्याल से नहीं होगी। पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको ऑफर किए जाएंगे और सॉफ्टेस्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे, लेदरेड सीट्स होंगी, तो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाया जाएगा। नो डाउट थोड़ी सी प्राइस भी होगी ज़्यादा साइड पर, इसका कॉम्पिटिशन सोनेट वगैरह के साथ हो रहा है ना, तो प्राइस तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। वेन्यू के साथ भी है, इसका कॉम्पिटिशन मैग्नाइट या काइगर के साथ नहीं है ना जिसकी प्राइस कम हो, तो इसका प्राइस इस सेगमेंट का ऑन हायर साइड ही जाएगा, बट डेफिनेटली लोग इसे परचेज करना चाहेंगे बिकॉज गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है। महिंद्रा की नई बी ई सीरीज तो आपने देखी होगी, तो सारा डिज़ाइन उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। नया कलर ऑप्शन तो आप इसमें देख ही पा रहे हो, जो कि आपको एक मेटेलिक येलो फिनिशिंग दी है। और कौन से कलर आएंगे, रेड होगा, ब्लैक होगा, वाइट तो होगा ही होगा, सिल्वर होगा, ग्रे शायद ना हो इस बार, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। एक्वा शायद इस बार फिर भी ना हो, बट रेड तो होगा ही होगा। मैं खुद एक XUV 300 ओन करता हूँ और रेड और बेज इंसर्ट्स वाली, तो इस बार भी बेज इंसर्ट्स हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। ये नहीं कि TGDI वाले इंजन में जो ब्लैक दे दिया ना सारा इंटीरियर, वो मुझे नहीं अच्छा लगा था ऑनेस्टली। तो जो उसका XUV 300 का स्पोर्ट एडिशन जो आता है, कौन सा स्पोर्ट था उसका नाम क्या था, टर्बो स्पोर्ट, तो टर्बो स्पोर्ट में क्या है कि ब्लैक इंटीरियर आता है, वो मुझे पर्सनली उतना अच्छा लगा नहीं। बेज बहुत प्रीमियम लगता है, इस बार भी आपको प्रीमियम ही मिलेगा। इनफैक्ट आप देखोगे ना, जो ग्रिल है LED DRL का डिज़ाइन है, रियर में भी LED टेल लैंप्स का डिज़ाइन, उसके साथ साथ आपको छोटे मोटे बिट्स जो मिल जाते हैं जैसे कि हाई स्टॉप लैम्प और वाइपर कंट्रोल, स्पॉयलर जो एक्सटेंडेड है, ये सारी ना कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम हो, और वो पूरा होगा भी, क्यों ना हो। जब XUV महिंद्रा अब इतना प्रीमियम ब्रांड बन चुका है, XUV एक अपने आप में नाम बहुत सॉलिड है, तो 300 के साथ जो मेजर अपडेट्स आ रहे हैं कंपनी, तभी इन्होंने नाम भी बदल दिया। ऐसा नहीं कि महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट, नहीं, महिंद्रा XUV 300, और अब इसको देख के कितना बड़ा ओ निकलता है, पॉजिटिव वाला ओ निकलता है, नेगेटिव वाला ओ निकलता है, तो टाइम ही बताएगा। अप्रैल 29 को डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ जाएगी, तो उसे ज़रूर चेकआउट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि न्यू टीजर्स वहाँ पर हम अपलोड करते रहेंगे। और कमेंट करके बताओ कि महिंद्रा XUV 300 का सबसे अच्छा फेवरेट फीचर आपको कौन सा लग रहा है, किस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा एक्साइटेड, और कौन सा ऐसा फीचर है जो आप कहोगे यार इसमें होना ही चाहिए। क्या पता कंफर्म हो गया, नहीं भी हुआ तब भी आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा फीचर होना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर दें। दिस वॉज द महिंद्रा XUV 300, उसका टीजर एक बार फिर से देख लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। The Mahindra XUV 300.